देखिए, अमेठी और रायबरेली को हमेशा कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन 70 सालों में विकास जिस तरह का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में अमेठी और रायबरेली में विकास पहुंच रहा है, और उसी दिशा में प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछला चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो आपको पिछला चुनाव याद होगा कि श्रीमान राहुल गांधी जी को अमेठी का चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा था। सपा बसपा की मदद ली थी, और आरोप तो ये तक है कि वहां चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी जी के लिए पैसे बांटे गए। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, सोनिया गांधी जी को क्षेत्र की जनता समझ चुकी है, और रायबरेली और अमेठी के लोगों को भी अगर भरोसा है तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से है, और इसीलिए हम विकास की योजनाएं लेकर वहां पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रयागराज में वह कुंभ मेला के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया गया उसका उद्घाटन करेंगे और गंगा जी की पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही वे रायबरेली में भी रहेंगे, रायबरेली में चुनावी सभा एक तरह से संबोधित करेंगे। एक सभा है जिसमें बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस को निशाने पर ले सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में 2019 की जो चुनावी बिगुल है वो प्रधानमंत्री मोदी कल यहाँ से फूंक सकते हैं। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।